हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी से आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। वो पॉइंट हमारा रहने वाला है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। अभी जो वैकेंसी आई है हमारी क्लर्क, स्टेनो, एलडीसी, ग्रेड 4, असिस्टेंट, इसकी जो कंबाइंड एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसका पोस्ट कोड है 802/23। तो ये पहली बार कंबाइंड एग्ज़ाम होने वाला है, बट अलग अलग पोस्ट जो इसमें कंबाइंड होके एक एग्ज़ाम हो रहा है वो आज से पहले भी बहुत एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो उन्हीं अलग अलग पोस्ट का मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड दिखाऊंगा, स्टेनो का भी दिखाऊंगा, एलडीसी का भी दिखाऊंगा, क्लर्क का भी दिखाऊंगा। तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा हमें अपनी लेवल, एग्ज़ाम का लेवल किस स्तर पे लेके जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की ही डिमांड पे ये सेशन है, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग और किसी वीडियो को चाहते हैं, किसी और पॉइंट पे डिस्कशन चाहते हैं कि भाई तैयारी कैसे करनी है, एक और पॉइंट है मेरे पास जिस पे मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, वो है कि बिगनर्स, बिल्कुल जो DSSB में आज तक पेपर नहीं दिया, बिगनर्स हैं वो अपनी तैयारी किस तरीके से शुरुआत करें, उन पे एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए सामने रहूँगा। उसका अच्छा खासा मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ। ऐसी और कोई भी अगर वीडियो चाहते हैं या फिर कोई भी बात चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आप टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अपना जो चैनल है उस पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो अपने पास जो वैकेंसी आई है अभी वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1, इन सभी का मिला के एक पेपर ले लिया गया है। और अब ये फॉर्म फिलिंग आपको पता है 9 से शुरू है, 7 तारीख से शुरू हुई है, हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये नंबर ऑफ हमारी वैकेंसीज हैं जो अभी आई हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अपने सामने 2354 वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। आज तक इकट्ठे एक साथ इतनी वैकेंसी कभी देखने को हमें नहीं मिली थी। अब आप लोगों के सामने मैं प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रख रहा हूँ वो ये है, एक एग्जाम हुआ था जूनियर क्लर्क का, बहुत फेमस एग्जाम था, पोस्ट कोड थी 13/20। ये जूनियर क्लर्क DTC में था, जूनियर क्लर्क का एग्जाम था। यहाँ पे आप लोगों का उसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ रिटर्न टेस्ट के बाद, जो आगे स्किल टेस्ट के लिए आप लोग कट ऑफ जो थी वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी थी 254, देखिए 254 और कहां अब 2054 वैकेंसी, 354 वैकेंसी है। ये 254 वैकेंसी थी, इसमें लगभग 51,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, ये डेटा DSSB भी खुद बताता है, इसी रिजल्ट में लिखा हुआ था, वो पूरे पेज में आप लोगों के सामने अभी रख नहीं रहा। तो इसमें 51,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे 200 में सीधा, पुराने पैटर्न पे एग्जाम था ये। पुराने पैटर्न का मतलब है कि इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और GK। अब आपका एक कंप्यूटर और ऐड हो गया है। यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ देखिए UR की 145.47 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200, ये कट ऑफ थी, ठीक है। OBC की बात करें तो 125, EWS की 132, SC 125, ST 113, फिजिकली हैंडीकैप 115, इस तरीके की आप लोगों की ये वैकेंसी थी। तो 200 में से यहाँ पे हमारे पास 145 आपकी कट ऑफ गई थी स्किल टेस्ट के लिए। ये था एक एग्जाम जूनियर क्लर्क का। दूसरा अपना जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि JSA, ये LDC का ही एक नाम होता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, LDC ही इसे कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो कट ऑफ गई थी वो 147.68 गई थी। यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे थी आपकी 278 और इसमें लगभग 60,000 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। यहाँ पे आप लोगों की UR की कट ऑफ गई है 147.68। आप लोग देखेंगे कि कट ऑफ यानी कि क्लरिकल एग्जाम में कट ऑफ 140 के ऊपर ही रह रही है, 130 से 140 के ऊपर तक यहाँ पे कट ऑफ रहती है। एक और एग्जाम स्टेनोग्राफर का मैं और एग्जाम दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्टेनोग्राफर का ये ग्रेड 3 का एग्जाम था, 256 यहाँ पे वैकेंसी थी। यहाँ पे क्योंकि स्टेनोग्राफर में जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका शॉर्ट हैंड का होता है और शॉर्ट हैंड थोड़े से कम बच्चे करते हैं कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे कट ऑफ 127 थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कट ऑफ में भी कमी देखने को मिल रही है, 127। अब क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद से लगा सकते हैं कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पहले DSSB पे इतना SSC वाले फोकस नहीं करते थे। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बड़े बड़े जो SSC पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे एग्ज़ाम इस वैकेंसी को कवर करा है। और साथ ही साथ मैंने तो कुछ यहाँ तक जो अदर लैंग्वेजेस हैं मलयालम, कन्नड़ वगैरह जो उन एग्ज़ाम्स को कवर करते थे उनके भी चैनल पे इस पोस्ट के बारे में देखा है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सबका एग्जाम, सबका पैटर्न अलग है। एसएससी वाला बच्चा तैयारी कर रहा है, आज के टाइम पे सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस रहता कोई भी नहीं रह रहा, और रह रहा है तो गलत बात भी है। तो सभी अगर यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है, और दिल्ली में पोस्टिंग है, दिल्ली के बाहर कहीं नहीं जाना, सिर्फ हमेशा लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है, क्लरिकल लेवल में दिल्ली में रहना लाइफ टाइम, एक अपने आप में एक पॉजिटिव और एक बड़ी बात है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जॉब पाना चाहता है। तो कट ऑफ का अगर आप सेफ स्कोर का आप मेरे हिसाब से मानेंगे, तो आप लोग अभी से अगर अपना सेफ स्कोर 145 से लेकर 155 इसको अगर आप टारगेट करके चलेंगे, तो ये आप लोगों के लिए ही बेटर रहेगा। क्योंकि अगर कट ऑफ से जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके कट ऑफ क्लियर करना टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये कट ऑफ तो आपकी स्किल टेस्ट के लिए है, स्किल टेस्ट देने के बाद आप लोगों को, अगर यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा कितने टाइम्स बुलाया जाता है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि अगर देखिए हमारे पास यूआर की जो यहाँ पे वैकेंसी थी वो 114 वैकेंसी थी यूआर की, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है 912, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं 912। तो आप लोग यहां से अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहां पे लगभग 7 गुना 8 गुना यहां पे कैंडिडेट बुलाए गए थे, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर यहां पे 278 है, 278 है, तो अपने 3004 कैंडिडेट बुलाए गए थे स्किल टेस्ट के लिए। तो आप लोग खुद से समझदार हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ कितने टाइम्स यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ पे तो टोटल अगर देखा जाए तो इंटू 10 गुना से भी ज़्यादा ही हो रहा है, इंटू 10 करेंगे तो 2780 होगा, यहाँ पे 3000 लोगों को बुलाया गया था। तो सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, अच्छे नंबर लाना आपका मकसद होगा, तभी आप लोग सेफ अपना टारगेट 150 प्लस का ही रखें, तो ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कट ऑफ 130 135 चली गई, इस बार थोड़ी सी कम चली गई, तो आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, स्किल टेस्ट में अगर इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं तो उसके बाद आपको कितना आपको कंपटीशन फिर भी रह जाता है, तो आपके नंबर अगर अच्छे होंगे तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी आज की इस वीडियो में चर्चा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करके लाइक कर देना, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियोस, आपके काम की वीडियोस, इधर उधर की नहीं, काम की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी, और पढ़ाई की वीडियो तो डेली अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों तक पहुँचाने का प्लान मेरा जो है, जो कि मैं पिछले 3 सालों से लगातार करता आ रहा हूँ, तो वो मेरा पूरा टारगेट पूरा आप लोगों के सामने रहेगा। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपको यहाँ पे घुमा के दिखाता कि मैंने अपना जो यूँ कहें कि अपना जो टारगेट लिखे हुए हैं अपने बोर्ड पे कि मेरे को ये काम करना है आप लोगों के लिए, तो आपको समझ आता कि कितनी मेहनत आप लोगों के लिए लग रही है। आप लोगों के लिए कहना उचित नहीं समझूंगा कि ये मेहनत मेरी अपने लिए है जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो काम करूंगा मैं जिससे मैं मेहनत करूं, काम करूं, आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचूँ, आप लोगों को भी वो बेनिफिट मिले। चलिए ऐसे ही फिर और वीडियो से मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास अगर आप हैं तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखें, नए साल का जश्न मनाते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।